प्रधानमंत्री का विमान अब वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। इसके लिए एयर इंडिया वायुसेना के करीब 10 पायलटों को प्रशिक्षण देगी। यह पहली बार होगा कि एयर इंडिया के पायलट प्रधानमंत्री का एयर इंडिया वन विमान नहीं उड़ाएंगे। प्रधानमंत्री समेत कई भारतीय उच्चाधिकारियों के लिए दो नए बोइंग 777 एयरक्राफ्ट आएंगे, जो जुलाई 2020 से उड़ान भरेंगे। इन नए बोइंग का रखरखाव एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड AIESL द्वारा ही किया जाएगा। यह एयर इंडिया की ही सहायक कंपनी है। अभी तक ये स्थिति अभी तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान इस्तेमाल करते हैं। इस विमान को एयर इंडिया वन कहा जाता है। भारतीय उच्चाधिकारियों के लिए एयर इंडिया के पायलट ही बोइंग 747 से एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं और AIESL इनका रखरखाव करती है। अगले साल मिलेंगे बोइंग 777। एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक भारत को अमेरिका से दो बोइंग 777 अगले साल तक मिल जाएंगे। इन्हें एयर इंडिया वन कहा जाएगा। इन विमानों को केवल वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। ये एयरक्राफ्ट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए होंगे। अफसर ने यह भी बताया कि वायुसेना के 4 से 6 पायलटों को बोइंग 777 के लिए एयर इंडिया द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बाकी पायलटों की भी ट्रेनिंग जल्द होगी। मिसाइलों से लैस होगा भी 777। बोइंग 777 स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होगा। इन मिसाइलों को लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स LAIRCM और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स SPAs कहा जाता है। इसी साल फरवरी में अमेरिका ने $190 मिलियन कीमत वाले दो डिफेंस सिस्टम भारत को देने पर सहमति जताई थी। एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, लिहाजा केंद्र सरकार विनिवेश की योजना बना रही है। प्रक्रिया नवंबर से शुरू हो सकती है।